परसेंट वेट ऑफ अ मैन इन लिफ्ट, लिफ्ट के अंदर अगर एक पर्सन एक वेट मशीन पे खड़ा है मान लो, तो उसका वेट क्या होगा जब वो लिफ्ट रुका हुआ है, क्या होगा जब वो लिफ्ट यूनिफॉर्म मोशन से ऊपर या नीचे जा रहा है, क्या होगा अगर जब वो लिफ्ट एक्सेलरेट करते हुए ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। सो सबसे पहले जो वेट वो मशीन रिकॉर्ड करेगा, इट विल बी नथिंग बट द रिएक्शन जो वो उस पर्सन के ऊपर दे रहा है। सो वेट इज नथिंग बट द फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, और रिएक्शन क्या होता है, वो इस वेट को बैलेंस करने वाला फैक्टर होता है। ओके, सो जब ये पर्सन रुका हुआ है, जबकि लिफ्ट पूरी रुकी हुई है, सो इन दैट केस व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट, रिएक्शन कितना होगा, इक्वल टू वेट एंड दैट इज इक्वल टू mg, राइट, मास इनटू ग्रेविटी। सो वो एग्जैक्टली वही होगा, जो मास इनटू ग्रेविटी रहेगा वही उसका वेट शो करेगा। जब यूनिफॉर्म मोशन से व्हेन इट इज मूविंग अप और डाउन, जब वो लिफ्ट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, बट इन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी वहां पे कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो अगेन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन पर्सन विल बी जीरो, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जीरो है तो नेट फोर्स जीरो होगा। इन दैट केस आल्सो सेम सिचुएशन होगा, एग्जैक्टली वही वेट मिलेगा जो उस पर्सन का वेट है। क्या होगा अगर वो लिफ्ट इफ इट इज मूविंग नॉन यूनिफॉर्मली इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो मान लो ए इज द एक्सेलरेशन, ए एक्सेलरेशन से वो लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, सो वहां पे हम देखते हैं रिएक्शन क्या होगा। सो दैट इन दैट केस जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, वेट ऑफ द पर्सन, जो रिएक्शन है वो अपवर्ड एक्ट कर रहा है, और फिर भी ये बॉडी ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन इज ग्रेटर। इस mg और r में कौन सा वैल्यू एक्सीड कर रहा है, r, क्योंकि ये बॉडी ये पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ जा रहा है, देयरफॉर r इज इक्वल टू, या ये कह सकता हूं मैं कि r माइनस mg इज इक्वल टू दिस फोर्स यानी मास इनटू एक्सेलरेशन। सो व्हाट विल बी योर r, r विल बी इक्वल टू ma माइनस mg, ये माइनस यहां जाके प्लस होगा ना, एंड m into a plus g हो जाएगा। ओके, सो ये रिएक्शन है, या फिर जो अपेरेंट वेट है इट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट प्लस एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी। तो यहां पे जो अपेरेंट वेट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी व्हेन द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड द अपेरेंट वेट विल इंक्रीज। अगर इसका बिल्कुल अपोजिट हो रहा है, यानी कि अगर मान लो तो नीचे की तरफ जा रहा है लिफ्ट विद सम एक्सेलरेशन, तो वहां पे सारे टर्म्स, रिएक्शन ऊपर था फिर भी लिफ्ट नीचे जा रहा है, इसका मतलब रिएक्शन से ज्यादा mg है, यानी mg minus r will be equal to ma। सो ये r क्या हो जाएगा, r will become mg minus ma, सो वहां पे इट विल बी g minus a is equal to r। तो अपेरेंट वेट क्या हो जाएगा, वहां पे डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज ये जो g माइनस है a है, दिस विल बी द ग्रेविटी एक्टिंग, तो वो डिक्रीज हो गया ग्रेविटी इन दैट केस, तो यहां पे द अपेरेंट वेट विल आल्सो डिक्रीज। ओके, अगर फ्री फॉल हो रहा है, अगर लिफ्ट फ्री फॉल हो रहा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, फ्री फॉल के केस में g और a दोनों सेम हो जाएंगे, या a विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन, ग्रेविटी के बराबर हो जाएगा, और इन दैट केस ये g माइनस g हो जाएगा और r इक्वल टू जीरो होगा, यानी वेट जीरो होगा फ्री फॉल में, वेट विल बी जीरो। मान लो कि ये लिफ्ट नीचे की तरफ जा रहा है
विद एक्सेलरेशन ग्रेटर देन इवन ग्रेविटी से भी ज्यादा एक्सेलरेशन है तो फिर क्या होगा, ये डिफरेंस क्या हो जाएगा, दिस ए विल बी ग्रेटर देन जी, तो ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा। इन दैट केस वो पर्सन जो है लिफ्ट के अंदर फ्लोर छोड़ के सीलिंग से चिपक जाएगा।